श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुने नमः श्रीमद्वरवरमुने नमः श्री पराशर भट्टाचार्य दिव्य चरणारविंद दुंदुमेव शरण अस्मदीयं सर्वदा सर्वथा वंदे गोविंद तातो मुनिमथ मनवै लक्ष्मणार्यं महांतं ध्यायेयं यामुनार्यं मम हृदितनवै राममेवाभियायां पद्माक्षं प्रेक्षिषीय प्रथममपि मुनिं नाथमीडे शठारिं सौमि प्रेक्षये लक्ष्मीं शरणमशरणः श्रीधरं संश्वयेयम्। प्रिय आध्यात्मिक मित्रों, आज के शुभ दिन के पूर्वाह्न तक हमारे प्रवचन में हम 900 दिव्य नामों को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं और हम अब प्रवेश करते हैं आखिरी जो शतक है, दसवां शतक, उसमें प्रवेश करते हैं। पहला नाम ही बहुत स्वस्ति प्रदायक नाम हमें मिलता है, हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे, हम सब सुनने वाले आप सब, वक्ता जो मैं हूं, सब लोग। एवं महान मंगलम ददाति इति स्वस्तिदः। पिछले नाम में हमने देखा था कपिरव्ययः, माने स्वयं अपना जो अनुभव है, अमृतमय अनुभव है, पवाता है अपने आश्रितों को, मुक्त लोगों को, नित्य सुख लोगों को, और स्वयं भी वो अनुभव करता है, ये बड़ी बात है। इस तत्व को समझाने वाला कपिरव्ययः, अलग अलग पद है परंतु कपिरव्ययः दोनों को एक साथ मिला के अर्थ निकाला था, वैसा ही अर्थ बताया है भाष्यकार ने। वो था, अब 900 पहला जो दिव्य नाम है स्वस्तिदः, एवं महान मंगलम ददाति इति स्वस्तिदः, इसे भी कोई बड़ा मांगलिक विषय हो सकता है क्या? इतने बड़े मंगल को प्रदान करने वाला भगवान है, अपना अनुभव, ब्रह्मानंद अनुभव जो है उसको पवाने के कारण स्वस्तिदः शब्द यहां प्रयुक्त हुआ है। स्वस्तिकृत स्वगुण ही स्वभोग आशुषम करोति इति स्वस्तिकृत, अपने गुणों के द्वारा जो कल्याण गुण है, सभी गुणों के द्वारा स्वभोग आशुषम करोति, अपना अनुभव माने गुणों में उनको आकृष्ट करके डुबो देके, उस अमृत वारिधि में निमग्न करके उनको परिपूर्ण अनुग्रह जो करने वाला है उसको बताने वाला शब्द है स्वस्तिकृत। स्वस्ति, स्वस्तिदः, स्वस्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्ति स्वरूप भी स्वयं, मंगल स्वरूपी भी स्वयं विराजता है। माने एक उदाहरण याद दिलाता हूं, ज्ञान गुणक भगवान होता है, हम देख चुके हैं, ज्ञान स्वरूपी भी भगवान होता है, आनंद गुणक भगवान होता है, आनंद स्वरूपी भी भगवान होता है, ऐसे ही यहां स्वस्ति प्रदान करने वाला स्वस्तिदः, उसके लिए परिपूर्ण अनुग्रह करने वाला भगवान ही है, वही उस प्राप्य को पवाने वाला, और उसके बाद स्वयं स्वस्ति स्वरूपी विराजता है, इसको कहने वाला शब्द है स्वस्ति। स्वयमेव महान मंगलम स्वस्ति, स्वस्ति शिव आशीषो हो, निघंटु में शिव माने मंगल, आशीर्वाद, दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए
एक उदाहरण देता हूं, हमारे किसी एक बड़े कार्यक्रम के अवसान में, पर्यवसान के समय, ऐसे ही स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सहफला संतुति भवंतो अनुग्रहणंतो, ऐसे ही अनुग्रह प्रार्थना की जाती है। ये स्वस्ति वाचन कहलाता है, यानी आशीर्वचन। स्वस्ति भूक, ये भी स्वस्ति शब्द से घटित एक पद है, दिव्य नाम है। सर्वमेव ते स्वस्ति भुनक्ति पालयति इति स्वस्ति भूक। ये सब स्वस्ति की बातें पिछले दिव्य नामों में दो जो हमने समझी, सबका सदा परिपालन करने वाला, उसमें कोई कमी नहीं आती है। अगर भगवान के द्वारा ऐसी बात हो जाती है, उसमें रत्ती भर की कमी भी नहीं आएगी। उसका परिपूर्ण परिपालन करने वाला जो है, स्वस्ति भूक शब्द का अर्थ है। स्वस्ति दक्षिणा, यह भी स्वस्ति शब्द से घटित, माने उसको अंतर्गत करके विराजमान दिव्य नाम है स्वस्ति दक्षिणा। अन्यदपि स्व परिचरण अनुगुणम दिव्य शरीर शक्ति आदि स्वस्ति स्वात्मदान दीर्घ सत्रे ऋत्विघ्यो देया दक्षिणा अस्या इति स्वस्ति दक्षिणा। जैसे एक बड़े सत्र में, बड़े यज्ञ में दक्षिणा देकर ऋत्विक जो होता है, होता लोग जो होते हैं, ऋत्विक जो होते हैं, करने वाले कार्यक्रम करने वाले बड़े बड़े जो ज्ञाता लोग होते हैं, उनको दक्षिणा देके उनकी पूरी मनस्थिति की जाती है ना, वैसे यहां भी भगवान अपने स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य सबको दिखा के, सबका अनुभव करा के, उन्हीं पदार्थों को दक्षिणा के रूप में अपने भक्तों को, भागवत लोगों को, मुक्तों को, नित्यों को जो दे देता है, प्रदान करता है, उसको बताने वाला शब्द है स्वस्ति दक्षिणा। स्वस्ति दक्षिणा अस्या इति स्वस्ति दक्षिणा। आगे चलते हैं, नौ सौ चठा जो दिव्य नाम है उसको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। सतानबेवा जो श्लोक है उसमें प्रवेश करके, अरौद्ध कुंडली चक्री विक्रम यूर्जित शासन शब्दाधिक शब्द सह शिशिर सर्वरीकर। अरौद्ध पादा दिव्य नाम है। परमेश्वर्य भी गुण शीतलिम्ना अरौद्रह, बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली, अनुपम ऐश्वर्यशाली भगवान है, हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे नामों के द्वारा, और इस संदर्भ में भी वही देखा हमने। इतने बड़े ईश्वर होने के नाते ही इतना बड़ा अनुभव वो स्वयं करके दूसरों को भी पवाता है, भक्तजनों को भी पवाता है, मुक्त नित्य आत्माओं को पवाता है, ये बात हमने समझी। अब इसमें कोई कोपता क्रोध वगैरह जो गुण है उसकी प्रसक्ति ही नहीं है, गुंजाइश बिल्कुल रति भर भी नहीं होगी। एकदम शीतलता माने अनुग्रह ठंड, अनुग्रह का अनुग्रह की ठंड होती है माने शीतलता जो होती है, उसी से भरा हुआ परमात्मा परतत्व भगवान जो विराजत है उसको कहने वाला शब्द है अरौद्रह। कुंडली यथोचित नित्य दिव्य भूषण कुंडली, अपने स्वरूप में कुंडल धारण करके विराजत है माने उपलक्षण मर्यादा से, एक गहने को अगर माने बहुत व्यक्त रूप से कानों में जो बड़े कुंडल विराजते हैं वो खूब दर्शन देने वाले दिव्य आभूषण होते हैं। बाकी आभूषणों के लिए भी उपलक्षण मर्यादा से हम ले सकते हैं कुंडल शब्द को, और कुंडलम अस्यास्ति कुंडली माने सभी दिव्य भूषणों से विभूषित जो परम लावण्यपूर्ण
दिव्य मंगल विग्रह है उसको धारण करने वाला भगवान, ऐसा अर्थ है इसका। कुंडली चक्री साथ में दिव्य आयुष है, चक्री आयुषों को भी भूषण के रूप में धारण करने वाला। आयुषों का प्रयोग जब करना चाहिए तब करता है, परंतु बाकी समयों में ये सब आयुष भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में अंतर्गत हो गए, स्वरूप निरूपक धर्मों में अंतर्गत हो गए, भगवान के आभूषण के रूप में विराजमान है। चक्र आभूषण है, शंख आभूषण है, गदा आभूषण है, आयुध भी है। उपयोग के समय वो आयुध का आयुधों का कार्य वो सब आयुध करेंगे, परंतु साधारण अवस्था में भगवान के दिव्य मंगल विग्रह शोभा बढ़ाने वाले आभूषण के रूप में विराजेंगे। इसलिए चक्री शब्द का अर्थ यही पाते हैं हम। साधन दिव्यायुध चक्री गांधीर्य अनुकूल विलास विक्रमी। और इसके अनुसार इतने गुणों से युक्त, इतने बड़े दिव्य ऐश्वर्य से युक्त, इतनी बड़ी सुंदरता से युक्त, लावण्य से युक्त जो दिव्य मंगल विग्रह है उसके साथ प्रतिभा समान जाज्वल्यमान जो भगवान होता है वो उसका स्वभाव ऐसा है और उसके कार्यक्रम ऐसे होते हैं एकदम आकर्षित करने वाले होते हैं। क्योंकि ये सब बातें बहुत आकर्षक जब होती हैं स्वाभाविक तौर पर नैसर्गिक तौर पर वो सबके मनों को इतना बड़ा आकर्षण कर देने वाले पदार्थ होते हैं ना, उसको बताने वाला शब्द है यहां विक्रमी। ऊर्जित शासन आदि ऐसे बड़े ईश्वर होने के नाते आज्ञाकारी वो होता है, आज्ञा देता है उन कार्यों को करने के लिए, अपने ही दिव्य सूर्यों को मुक्तात्माओं को आज्ञा देता है। कैंकर्य उसकी आज्ञा से ही चलता है। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कोई हम संकल्प करते हैं भगवद आज्ञा कैंकर्य, जो कैंकर्य हम करते हैं इस दुनिया में लीला विभूति में, उसको भी हम उस कैंकर्य को भी उसकी आज्ञा का फलस्वरूप हम मानते हैं ना, वही बात वहां भी होता है, परमपद में भी होता है, बाकी सभी जगहों में होता है, किसी भी अवतार के समय होता है, सभी समयों में आज्ञाकारित्व जो है उसको ऊर्जित शासन माने बहुत ओजस्वी तौर पर भगवान की आज्ञा बहुत दृढ़ मजबूत अप्रचलित अविचारित जो आज्ञा होती है उसको करने वाला, उसके कारण प्रशासक के रूप में विराजमान जो है उसको बताने वाला शब्द है ऊर्जित शासन। अपने अंदर अपने काबू में सबको आज्ञा देकर रखता है ब्रह्मादि देवताओं को। अनंत जिह्वेन अनंतेन अनंत शाखैः आम्नायैः साक्षात् सरस्वत्या च दुरुदाहर महिमा शब्दादिगः अवांग मनस गोचरः। इस शब्द का अक्सर हमारे पूर्वाचार्य लोग प्रयोग करते हैं, हमने भी अपने प्रवचन में पहले किया है, याद दिलाता हूं उसी को। वागतीत किसी की भी वाणी से उसका पूरा वर्णन किया नहीं जा सकता। वागतीत महिमाशाली जो होता है भगवान, उसको कितना भी अनंत जो है अनंत की जिह्वाओं से भी, कितनी ही जिह्वाओं वाला, असंख्य जिह्वाओं वाला, सबसे बड़ी संख्या में जिह्वाओं वाला जो अनंत है नित्य सूर्य में पहला जो गिना जाता है, शेष जिसको कहते हैं शेषत्व स्वरूप को खूब अपने में धारण करने वाला
श्रेष्ठत्व के लिए एकमात्र बड़ा लक्ष्य जो होता है वो अपनी जिख्वाओं का प्रयोग करके भगवान की स्तुति नहीं कर पाता, उससे भी परे है भगवान का वैभव। ऐसे ही साक्षात सरस्वती जो वाग देवता होती है उसके द्वारा भी पूरी स्तुति नहीं हो पाती। सरस्वती स्वयं इसकी बहू है पौराणिक दृष्टि से, वो भी वाग देवता होने के बावजूद कुछ नहीं पूरे रूप में कर सकती। ऐसे वागतीत वैभव वाला जो भगवान है उसको कहने वाला शब्द शब्द अतिगह, शब्दान अति गच्छति इति शब्द अतिगह। और इतने बड़े ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद अपने भक्तों के कष्टों को रत्ती भर भी सहन नहीं कर सकता, उसमें सहिष्णुता बिल्कुल इसको नहीं होती, एकदम सड़प जाता है उनके आर्त स्वर को देख सुनकर, उनकी आर्त दशा को देखकर झट उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करने वाला परम दयालु जो भगवान है। प्रधान रूप से एक उपाख्यान को लेकर के वैसे ही दिव्य नाम चलते हैं। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष जो उपाख्यान है उसके आधार पर, अथ गजेंद्र मोक्षणम अस्पष्ट शब्दानाम चिरश्चाम अपि आर्त शब्दम अतिभारमिव सहते शब्द सहः। उनकी उनका जो आर्त स्वर होता है उसको उसके बारे में इतना तड़पने वाला दिल जो होता है उसकी निवृत्ति के लिए उसको कहते हैं शब्द सहः, माने उसमें ये शब्द ऐसे हैं वो शब्द वैसे हैं ऐसा भेदभाव नहीं है। कोई सिरियक होने के बावजूद गजेंद्र का जो आर्तनाद इसने सुना परत्वावस्था में परम पद में, तब वैसे ही इतनी फुर्ती से वो दौड़ आया भाग आया इसकी संरक्षा के लिए। ये कहानी हमें याद करनी चाहिए उसको, माने भक्तिम तस्या अनुसंचिंत्या इति, केवल उस आत्मा के मन में जो भक्ति होती है भक्ति भावना होती है उसी पर उसका ध्यान रहता है, माने कोई दूसरा भेद बिल्कुल नहीं, ये त्रिक है मनुष्य है ये बड़े ज्ञानी है ये है वो है ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं देखता भगवान। आर्त शब्द श्रवण अनंतरम अति त्वरया गतः शिशिरः, शिशिरः शब्द का ठंडा ऐसा अर्थ हम समझेंगे लौकिक भाषा में। यहां शश पृथ्वगतौ माने बहुत तेज गति जो होती है उसको कहने वाला जो धातु है उससे निष्पन्न शब्द है, निष्पत्ति ऐसी है इसकी। इस निष्पत्ति के अनुसार जब देखते हैं तो त्वरित गति, इतनी त्वरित गति अनुपम त्वरित गति से संरक्षण के लिए किसी के आर्तनाद को सुनकर आने वाला जो भगवान है विजयेंद्र मोक्ष के अवसर पर जो विराजा ऐसा उसको कहने वाला है शब्द यहां शिशिरः। श्रुत्वा चक्र गदाधरः सान्निध्यं कल्पयामास तस्मिन् सरसि, झट उतनी फुर्ती से आकर कूद पड़ा, गरुड़ को स्वयं ले आकर, गरुड़ को ऐसे ही निपीडन कहते हैं ना, ऐसे ही स्वयं ऐसे ही आलिंगन करता हुआ उसको भी ले आया, उसको बुला के तैयारी करवा के ऐसी कोई देरी नहीं की, झट उस आर्तनाद के प्रभाव से उस भक्त के दुख को हरने के लिए
इतनी फुर्ती दिखाता हुआ जो भगवान आया उसको यहां शिशिर शब्द कहता है। शर्वरी कर रहा शर्वरी यहां पंचायती का नाम है ऐसा सर्वेदी कहते सर्वेदी कह हम कहते हैं चंद्रमा को सर्वेदी कहा कहते हैं सर्वेदी ग्रह राकेश कहते हैं ना रजनीश कहते हैं रजनीकांत कहते हैं सर्वेदी ग्रह उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है लौकिक भाषा में परंतु यहां सर्वेदी ग्रह का रहा दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अष्ट को देखे ही हम इस अर्थ को समझ सकते हैं अपूर्व अर्थ दिखाया है शर्वरी कर रहा माने शर्वरी पंचायुधि चक्र शंख गदा खड्ग और जो शार्ग धनुष इनको पंचायुधि पांच आयुधों का समाहार सदा धारण करने वाला स्वरूप और निरूपक धर्म के रूप में और एक बात याद दिलाता हूं पातु प्रणत रक्षाया विलंब मसहन्निव सदा पंचायुधीं बिभ्रति सन श्रीरंग नायक इसी पराशर भट्टाचार्य का अद्भुत वचन है श्रीरंग राजस्व में याद आता है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं शर्वरी माने परविदारणी जो हिंसावृत्ति होती है माने शत्रुओं का विनाश करने में जब उद्युक्त होना है तब उतनी फुर्ती से उद्युक्त होने वाली भगवान की पंचायुधि है पंचायुधि के द्वारा ही वो दुख निवारण करता है ना ऐसी पंचायुधि को पांच आयुध वरों को आयुध रूपी दिव्य सूर्यों को धारण करने वाला जो है अपने दिव्य मंगल विग्रह में अंतर्गत करके धारण करने वाला उसको कहने वाला शब्द है शर्वरी कर रहा तो पूर्व शब्द है। आगे चलते हैं 98वां जो श्लोक है उसमें प्रवेश करके 915वें दिव्य नाम पर उतर रहे हैं। अक्रूर त्रेशरो दक्षो दक्षिणा क्षमिणाम वरह विद्वत्तमो वीतभया पुण्यश्रवण कीर्तन अक्रूर गज परिजिहीर्षया करस्थैरपि आयुधैः ग्राहमपि झटिति अकृत्वान् अक्रूर माने हमेशा समझते हैं उपाख्यान में थोड़ा सा आभास ही हम पास से पाते हैं इसलिए उसका विच्छेद कर दिया उसको झट मार दिया माने जो ग्राह जो मगर जिसके द्वारा पकड़ा गया था ये हाथी गजेंद्र या गजेंद्र का चरण उसको एकदम आते आते खंडन करके तोड़ के विनाश कर दिया ऐसी बात नहीं है वो नहीं किया उसने पुराणों के विष्णु पुराण वगैरह पुराणों के मुताबिक वो उसको भी उठाया ऐसा ही है इसलिए उस पर भी कृपा की गज परिजिहीर या करस्थ यदि आयुध ही ग्राहम अपनी झटिति अकृतवान माने परे रक्षा की इसमें एक तत्व है ये रक्षा जो है शत्रु का विनाश करने से जो साधारण रक्षा की जाती है वैसी रक्षा नहीं है भक्तजनों की रक्षा अलग रक्षा होती है पूर्वाचार्यों ने इसी बहुत रसीली भावना को या बहुत रसवती भावना को दिखाया है भाव को दिखाया है अर्थ का विवरण किया है। वो कहता है नाहम कड़े बरस्यार त्राणाय मधुसूदन करस्थ कमलान्येव पादयो अर्पितंतम ये नश्वर शरीर की रक्षा के लिए मैं ऐसे ही मैं चिल्लाया
ऐसा नहीं समझना चाहिए हे भगवान श्रीमन नारायण, तुम्हारे दर्शन करना चाहता था, आंखों के सामने तुम्हारे दिव्य रूप के दर्शन मुझे हो जाए, तब ये जो चुन के रखा है इस सरोवर से उस कमल पुष्प को तुम्हारे चरणारविंदों पर समर्पण करने की इच्छा के साथ तुम्हारे दर्शन का पिपासु मैं रहा, वही मेरी असली इच्छा है, वही मेरे लिए असली रक्षा होगी, स्वयं कहता है विजयेंद्र। नायम नाहम कलेबरस्यास्य नाहम कलेबरस्यास्य प्राणार्थम मधुसूदन करस्थ कमलान्येव पादयोर अर्पितम्। बहुत प्रसिद्ध उद्धरण है ये, उसको सूक्ष्म रूप में दिखाने वाला शब्द है यहाँ, क्योंकि शत्रु विनाश करना भी दूसरा पक्ष था, असली रक्षा तो अपने दर्शन देना, उसको दिखाने वाला शब्द है यहाँ। अक्रूर, वो क्रूर नहीं था, मगरमच्छ के प्रति क्रूरता नहीं दिखाई उसने। ग्राहग्रस्तम गजेन्द्रम च तम ग्राहं च जलाशयात उद्यहार अप्रमेय आत्मा सरसा मधुसूदन। उस ग्राह को भी उस सरोवर से उसको मोक्ष दिलाने के लिए, उसको भी सद्गति प्रदान करने के लिए उसको भी ऊपर उठाया, ऐसा ही पुराण का कथन है। पेशलहा अगला शब्द है, संभ्रमात अयथा यथा शृगभूषांबर रमणीय पेशला। नारायण माने आते आते गरुड़ गोपी स्वयं आलिंगन करके उसको भी ले आने वाला जो भगवान विराजा, और आने की फुर्ती से इधर का आभूषण उधर, उधर का आभूषण इधर, और जो आभूषण पहने हुए थे उनमें भी वो चंचलता में इतनी फुर्ती के कारण जो बदलाव हुआ था, तितर बितर से हो गए थे, अपने अपने स्थानों में नहीं विराजे, वो भी भगवान के दिव्य मंगल विग्रह की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण विराजे। उस व्यत्यस्त अवस्था में भी भगवान का दिव्य मंगल विग्रह उतना लावण्यपूर्ण विराजा, वैसा भगवान जो है उसको बताने वाला शब्द है पेशलहा। सब गजेंद्र मोक्ष के संदर्भ में जो जो बातें हुई उनकी सूचना करते हुए ये सब नाम चलते हैं, याद रखने की बात है जी। दक्षहा क्षिप्रमागंता दक्षहा, ये सब क्यों हुआ, पेशलता कैसे हुई, माने इतना बड़ा वेग, इतनी बड़ी तेजी दिखाता हुआ भक्त रक्षा के लिए जो उद्युक्त भगवान झट वहां आकर सरोवर के तीर पर पहुंचा, उसको बताने वाला शब्द है दक्षहा। इतना बड़ा सामर्थ्य किसी दूसरे देवता को नहीं होता, केवल भगवान को ही हो सकता है, वैसी शक्ति को दिखाने वाला, उतनी बड़ी तेजी को दिखाने वाला, उसके द्वारा भक्त संरक्षण करने वाला जो भगवान है उसको बताने वाला शब्द है दक्षहा। दक्षिणः तथा आगत्य धिग्माम दूरगतोहम त्वाम इति सांत्वनैः जयेन्द्रस्य अनुकूलः दक्षिणः। माने आते आते सांत्वना दी, मैंने देरी कर दी क्या, तुम्हारे आर्तनाद को सुनकर सुनते समय मैं बहुत दूर था, यहां लीला विभूति में एक भाग सरोवर कहा और वो परमपद वैकुंठ लोक कहा, कितनी बड़ी दूरी है, उस दूरी को ऐसे ही क्षण में पार करके आने के बावजूद वो स्वयं बहुत बड़ी कमी महसूस करता है अपने आगमन में, इससे भी ज्यादा जल्दी आने के लिए कोई गुंजाइश
नहीं थी, इस पर खेद प्रकट करता हुआ भगवान ने प्रकट करते हुए भगवान ने सांत्वना शब्द जो कहे, वैसी सांत्वना देने वाला भगवान जो विराजता है, गजेंद्र मोक्षकारक मोक्षदाता, उस भगवान को यहां दक्षिणा शब्द कहता है। प्रीतिमान पुंडरीकाक्ष शरणागत वत्सल भजंतम गजराजानम मधुरम मधुसूदन, ऐसे ही कर्णामृत शब्दों से सांत्वना दी। क्षमिणाम वरः अभवत् तत्र देवेशः, तद्दर्शनेन, ये पारस्परिक विषय है जैसे मैं कह चुका हूं, अपने दर्शन उसको देकर स्वयं अपने भक्त का दर्शन करके जो बड़ा आनंद हुआ, इसके आत्मा को परमात्मा को साक्षात परमात्मा को जो बड़ी सांत्वना हुई, शांति मिली, उसको कहने वाला शब्द है क्षमिणाम वरः। परमात्मा होने के बावजूद भी जो परेशान था, उस परेशानी से विमुक्त होकर के जो विराजा गजेंद्र मोक्ष प्रदान काल में, वो परमात्मा ही श्रीमन नारायण भगवान क्षमिणाम वरः। विद्वत्तम, कब क्या करना चाहिए, उस तरह के ज्ञान से परिपूर्ण चित्त वाला जो है, बड़े दयालु लोग ऐसा ही करते हैं, जो पहले करना चाहिए उसको पहले कर देते हैं, फिर बाद में करना जो है उसको करके फिर भलाई करते हैं। लौकिक दृष्टि में भी ऐसे ऐसे महानुभावों को हम यहां देखते हैं, ज्ञानी लोगों को, परमकारुणिक व्यक्तियों को देखते हैं, परमकारुणिकों का भी परमकारुणिक जो विराजता है भगवान, वो विद्वत्तमा इस तरीके को खूब जानने वाला, क्यों कैसे माने, अपने हाथ से स्पर्श करके उस दिव्य स्पर्श के कारण उसको बड़ा आनंद दिला के जो अनुग्रह किया, उसका उसको बतलाने वाला शब्द है यहां विद्वत्तम। एवं उक्त्वा गुरुश्रेष्ठ गजेन्द्र मधुसूदन स्पर्शयामास हस्तेन, इसको बताने वाला वो बड़ा तरीका होता है। मैंने कोई डॉक्टर है, वैद्य जी हैं, अपने पास आए हुए एक बीमार व्यक्ति को ऐसे परेशान मत हो जाओ तुम ठीक हो जाओगे, प्यार से अगर पीठ को थप थपाता है, इतना बड़ा आनंद होता है, पूरा विश्वास हो जाता है, आधी बीमारी हरी जाती है ना इस दुनिया में हम देखते हैं, वैसी ही बातें यहां भी इस पद से हमें मालूम पड़ती है, उसको बताने वाला शब्द है विद्वत्तम। वीतभय तत्समागमन तत्समागम तुमुनोपलंभात वीतम भयम गजेन्द्र से वीतभय, अपने दर्शन देके उसके भय को जो दूर करने वाला, माने भय, और एक बार कहता हूं वही भय था, माने भगवान आएंगे उनके दर्शन मिलेंगे ऐसे संदेह के साथ, उसके दिल में परेशानी के साथ, चिंता के साथ, बड़ा बड़ी भीति भी रही थी, बसी थी, उस भय को अपने दर्शन देकर जो जिससे भगवान ने दूर कर दिया, वो भगवान है वीत भय, वीतम भयम अनेना इति वीत भय। सब गजेंद्र मोक्ष के उपाख्यान से संबद्ध दिव्य नाम है, क्रमशः हम देख रहे हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रुतेन ही कुरुश्रेष्ठ स्मृतेन कथितेन वा
गजेंद्र मोक्षणे नैव सद्य पापात् प्रमुच्यते। इसलिए इस गजेंद्र मोक्ष का जो प्रभाव है, जो उपाख्यान है, उसका श्रवण करने से उस उपाख्यान का संकीर्तन करने से हमारे कान, हमारी जिह्वा सब इतने पवित्र हो जाते हैं, माने इतना बड़ा वैभवशाली किस्सा है, वैभवशालिनी कहानी है, कथा है। इसीलिए एक बात याद दिलाता हूं, पहले जब कोई आदमी उठता है पंच पंच उषः काल में बहुत सवेरे सवेरे चढ़ के, तब हरी 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 कहने के बाद ऐसे ही गजेंद्र मोक्ष के ग्राहग्रस्त गजेंद्र श्लोक है, ऐसे ही प्रातस्मरणीय श्लोक में अव्वल श्लोक ही होता है। इसको चुनके ही हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें ये उपदेश दिया है, हमारे प्रति उपदेश दिया है। इतना बड़ा वैभवशाली ये कथा भाग है, उसको दिखाने वाला शब्द है पुण्य श्रवण कीर्तन। आगे चलते हैं 99 जो श्लोक है उसमें प्रवेश करते हैं। पहला पद है उत्तारण दुष्कृति का पुण्यो दुस्वप्रनाशन वीर रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित। ये श्लोक का पूरा स्वरूप है। पहला पद है उत्तारण, तौ सरस उत्तारितवान उत्तारण, दोनों को जिसने ग्रहण किया था उसको निबद्ध किया था अपनी पकड़ में, जो ग्राह था माने मगर था, मगरमच्छ था, उसको और गजेंद्र को, पीड़ित गजेंद्र जो था, दोनों को उत्तारण करता था। उत्तारण माने इसका तात्पर्य सूक्ष्म भाव यह है, अगर मगरमच्छ इसको नहीं पकड़ता तो गुंजाइश नहीं होती। गजेंद्र काहे के लिए आर्तनाद करता, आर्तनाद कराने वाला यही था, है ना। मूल माने रामायण कहानी अगर चलती है तो कुब्जा जो थी वो श्रेय उसको जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। कुब्जा और कुब्जा के वश में पड़कर जो कैकेयी थी, अगर वो दोनों पात्र नहीं होते रामायण कैसे आगे इतने बड़े काव्य के रूप में हमें मिल जाता, राम की कहानी कहां से आएगी। तो मूल कारण वे ही होते हैं ना, है ना, ऐसा ही कहा जाता है पूर्वाचार्यों के द्वारा, ऐसा ही कहा जाता है। वैसे ही दोनों का उत्तर कर दिया, उत्तरण कर दिया, दोनों का बेड़ा पार करा दिया। गजेंद्र के लिए भी जो मोक्ष मिला वैसे उसको भी मोक्ष प्रदान किया, कहानी ऐसी है, क्योंकि वो भी मूल कारण था। अगर उसने ग्राह ने पाद ग्रहण चरण ग्रहण नहीं किया होता, चरणों चरण का चरण को नहीं पकड़ा होता, तो आर्तनाद की कोई गुंजाइश नहीं होती और भगवान के दर्शन उसको नहीं मिले होंगे, भगवान को आना नहीं पड़ता, ये सब बातें हो जाएंगी। ये गजेंद्र मोक्ष की कहानी ही नहीं चलती। इस सूक्ष्म बात को यहां बताने वाला शब्द है उत्तरण, दोनों का उत्तरण जिस भगवान ने किया उसको उत्तरण शब्द कहता है। दुष्कृति हा और मोक्ष दिलाना है, मोक्ष अगर दिलाना है तो ग्राह ने जो अपराध किया उसका भी दंड देके उसको मोक्ष दिलाना है, ऐसा करता है ना। माने शिशुपाल जो था उसको सदगति मिली,
इतनी बड़ी निंदा करने वाला, 99 बार उसने असत्य शब्दों का उपयोग करके निंदा की, कान्हा की। आखिर अपनी प्रतिज्ञा को परिपालन करते हुए कान्हा ने 100वीं बार में शिरच्छेद कर दिया। उस शिरच्छेद से चक्र का संस्पर्श पाने के कारण उसको मुक्ति मिली। कहते हैं ना ऐसे ही, उपाख्यान ऐसा है ना, वैसे ही यहां भी कुछ करना है, मैंने दंड देना है, इसलिए उसको बहुत सावधानी से अपने ही हाथ से उठाकर, सरोवर से उठाकर बाहर रख के उसके बाद चीर दिया, मुक्ति प्रदान किया। कहानी ऐसी है, माने हम सुनते हैं स्वामी जी ऐसा कुछ दूसरे तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए ना, उस संदेह को मिटाने वाला ये पद होता है। दुष्कृत जी, हा दुष्कृत जी माने चरण को पकड़ना नहीं चाहिए था, करण को पकड़ और कारण बना वो दूसरी बात है, वो एक अलग अध्याय है। इस अध्याय में प्रवेश करके अगर हम देखें, उसने जो अपराध किया, इतने बड़े भक्त का चरण जो पकड़ लिया था, ग्राह आकर्षित जले स्थल आकर्षित गजह, ऐसे जो बहुत काल तक चलने वाला जो टगफार करते हैं ना, ऐसी बड़ी लड़ाई हुई थी दोनों के अंदर, दोनों के बीच में, वैसा नहीं करना चाहिए था इस ग्राह को, उसके लिए दंड मिलना है। दुष्कृति हो गया माने दुराचारी हो गया, दुष्कृत्य को उसने कर दिया, एक भक्त का चरण पकड़ लिया, उसके लिए जो दंड भुगतना है उसको भुगतवा दिया। स्थलस्थम धारया मास ग्राम चक्रेण माधव, उसको स्थलशाही बनाने के बाद माधव ने अपने चक्र का प्रयोग करके उसको चीरा मारा, और उसके द्वारा चक्र के संस्पर्श से अपने अनुग्रह से उसको भी सदगति दिलाई, या सदगति प्रदान किया। को बताने वाला शब्द है दुष्कृति, पुण्य अनया कीर्त्या अस्मदादी ने भी पुनाचीति पुण्य, इसलिए गजेंद्र मोक्ष की कहानी का अनुसंधान करने से हम बहुत बड़े पुण्यात्मा बन जाते हैं। हमें इतना बड़ा पुण्य देने वाला या दिलाने वाला भगवान स्वयं जो विराजता है, गजेंद्र मोक्ष प्रदान करता साक्षात श्रीमन नारायण, जो वहां से दौड़ के भाग के आया संरक्षा की गजेंद्र की, उस भगवान को कहने वाला शब्द है पुण्य। हम सब श्रवण करने वाले, कीर्तन करने वाले लोगों को पुण्य देने वाला इस उपाख्यान के द्वारा। दुस्वप्न नाशन कहा एवं दुस्वप्न नाशन ये माम त्वांच सरश्चैव दुस्वप्नो नश्यते तेषां दुस्वप्नो उपशमाया अलम, ऐसे ही वहां उपाख्यान में जो पद उपयुक्त हुए हैं उन पदों के आधार पर पितामह जी बड़े ज्ञानी हैं, सभी पुराणों के ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उन सबको मालूम कर दिया था। वो दुस्वप्न नाशक नाशन इस पद का यहां प्रयोग किया है, माने ऐसे पुण्य भाव से भरे हुए उपाख्यान को जो सुनता है वो बड़ा पुण्य भाग जब बनता है, उसके लिए
ये बाधक रूप में जो सपने आते हैं वो सपने बिल्कुल नहीं आते। अगर सपने आते हैं तो सुस्वप्न आ जाएगा, गजेंद्र मोक्ष का स्वप्न आ जाएगा, ये भाव है। गजेंद्र मोक्ष का उपाख्यान जो है उसको अनुसंधान करने वाला बाधक जो दुस्वप्न होता है उसे पीड़ित कभी नहीं होता, उसको बताने वाला शब्द है दुस्वप्न नाशन। वीरहा, वीरम तद बाधकम हतवान इति वीरहा। यहां वीरहा उसको भी वीर के रूप में मानते हैं, माने माने बड़ी वीरता दिखाकर उतने बड़े हाथी को अपनी पकड़ में ला करके रखा था। कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई संवत्सरों तक वो आपस की जो आपस का जो संघर्ष हुआ था उसको बताता है पौराणिक, बताती है पौराणिक कथा, पौराणिक उपाख्यान बताता है। तो वीर के रूप में जो रहा, अपनी वीरता को दिखाने वाला जो ग्राह रहा, उसको उसका हनन करके धरती पे लाके उसकी भी हत्या करके जो संरक्षा दी पूरे तौर पर गजेंद्र को, उसको बताने वाला शब्द है वीरहा। मोक्षयामास नगेंद्रम पाशेभ्य चरणागतम, प्रमाण के रूप में दिया है श्लोक। रक्षण स्पर्शन परिरंभण सांत्वनाद भी रक्षितवान। रक्षण पहले स्पर्श के रूप में स्पर्श किया था, पहली सांत्वना देने के लिए हमने जो ऐसे ही आलिंगन भी मना सूंड वगैरह को ऐसे ही आलिंगन करके भगवान ने पूरी सांत्वना दी, जो वही संरक्षा है। मैं कह चुका हूं अपने पूर्वाचार्यों के पथ पर चलकर कह चुका हूं, असली संरक्षा गजेंद्र जैसे महान भक्त की यही होती है, भगवान के दर्शन और भगवान के दिव्य मंगल वगैरह से स्पर्श, उससे जो संबंध जुड़ता है वो वैसी रक्षा देने वाला जो है उसको रक्षण, हाँ पूरी रक्षा इतने 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 तरीकों से स्पर्श आलिंगन वगैरह वगैरह से अपनी वार्ता सबसे जो देने वाला भगवान बिराजा उसको यहां रक्षण हाँ शब्द कहता है। संतः एवं आश्रितवान संतनोदिति, आश्रितान संतनोदिति संतः, ऐसे अपने स्पर्श के कारण यही एक गजेंद्र नहीं कितने ही अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान कर दिया है, उसकी याद करके इस पद का यहां उपयोग किया है। संतः संतनोति इति संतः, कान आश्रितान आश्रित सभी लोगों को ऐसे ही अनुग्रह को करके वो मुक्ति प्रदान करता है भगवान, इसलिए उसको संतः शब्द यहां बताता है। जीवन स्वहस्तेन हरणादि ग्राहम अपि गंधर्वत्वेन जीवयन्, सद्गति माने संसार से छुटकारा देकर छुड़ा के बहुत बड़ी सद्गति की। गंधर्व लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं, मैंने परमपद के शिव अलावा बहुत सारी सद्गतियां हैं, अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक भगवान परमात्मा उसको देता है अपने भक्तों को। उसने अपराध यदि भी किया था परंतु अपने स्पर्श के द्वारा और गजेंद्र के लिए अपने दर्शन दिलाने वाला जो आखिर रहा उसके लिए सद्गति प्रदान जो किया था
उसका भी उज्जीवन जो किया था उसका बता उसको बताने वाला शब्द है जीवन। सही देवल शापेन हु गंधर्व सत्तम ग्राहत्म अगमत कृष्णादि वसम प्राप्य दिवंगत। जिस स्थान से वो आया था उस स्थान को जिलाना था, इसलिए उस सदगति को सदगति में रहता था शाप वशा तो हु नामक गंधर्व था। वो कहानी ऐसी है, समझने की बात है। उस श्लोक को यहां प्रमाण के रूप में लिया है भाष्यकार ने। हु नामक जो गंधर्व शाप वशा देवल ऋषि के शाप के कारण वो ग्राह के रूप में यहां सरोवर में आकर रहने लगा। उसका शाप विमोचन अब गजेंद्र मोक्ष के समय हुआ था। फिर उसी स्थान को उसकी पहली अवस्था जो थी वहां पहुंचाकर भगवान ने इसकी बड़ी कृपा की, जो उसका उज्जीवन किया, जो उसके कारण जीवन शब्द से भगवान बताया जाता है। पर्यवस्थित वात्सल्या गजेन्द्रम परिपरित अवस्थित है पर्यवस्थित प्रीतिमान पुण्यदीकाक्ष शरणागत वत्सल ऐसे स्वयं दर्शन देकर स्पर्शादिना अनुग्रह करके उसको मोक्ष प्रदान करके उसके बाद ही जैसे विभीषण को पट्टाभिषेक करने के बाद ही विज्वर प्रमोद हमने पहले देखा था ना, वैसे ही खूब खड़ा हुआ माने उसका मन लटखड़ाता रहा। चिर रूप में अपने मन को चिंता रहित करने के लिए ये सब बातें करनी पड़ी, इतनी जल्दी जल्दबाजी करनी पड़ी, फुर्ती दिखानी पड़ी, अपने दर्शन देने पड़े, स्पर्श से आखिर मुक्ति देनी पड़ी। इस सब के बाद ही इसका जो बहुत विचलित जो मन था भगवान का भी वो एकदम पर्यवस्थित हो गया, दृढ़ हो गया, सुदृढ़ हो गया। भगवान इस प्रकार से सुदृढ़ बन गया, उसको कहने वाला शब्द है पर्यवस्थित। तो मेरे प्यारे आत्मबंधुओं, अब तक हमने कुल मिला के 931 दिव्य नामों का अनुभव किया है। शुभम भूयात। हम इस दिव्य नाम के साथ आज का हमारा जो छोटा सा प्रवचन है उसको समाप्त करते हैं, उसे विरत होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। गोविंद 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 गोविंद।